हेलो नमस्कार सत श्री अकाल की हालचाल आप सभी का वाना मार्बल की इस नई और फ्रेश वीडियो पे आप सभी का मैं फिर से स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सभी को पता होगा कुछ टाइम पहले मैंने यहाँ से टेंथर के अंदर मटेरियल दिखाया था। आप सभी को याद होगा कि मैंने यहाँ से कम से कम 6 से 7 स्लेब टेंथर की दिखाई थी, तो उनमें से कस्टमर ने 3 से 4 स्लेब ऑनलाइन परचेज करी है। आप सबको मैं बता दूं कि हमसे बहुत से कस्टमर होते हैं जो ऑनलाइन परचेज करते हैं, चाहे आप कोई से भी जगह से हो, वेस्ट बंगाल से हो, चाहे आप इंडिया के कोई से कोने से हो, कोई से भी विलेज से हो, आप ऑनलाइन मटेरियल परचेज कर सकते हैं। क्योंकि हम जो मटेरियल देते हैं, जो दिखाते हैं, वही मटेरियल डिलीवर करते हैं और उसके साथ डिलीवर करने के बाद कस्टमर का फीडबैक भी दिखाते हैं। तो आप भी अगर आपका पैसा लगा रहे हो तो अच्छी जगह लगाइए जहाँ पर आपको ट्रस्ट हो सके, क्योंकि हर कोई नहीं है जो मटेरियल अच्छा देगा, दिखाता कुछ और है, डिलीवर कुछ और कर सकता है या उसके मटेरियल में प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो हमारा जो काम है एकदम नीट एंड क्लीन जेन्युइन काम है, चीटिंग का काम नहीं करते अपन, चाहे 2 पैसा कम मिलेगा बट अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं। तो आज की वीडियो में ये देखिए, ये मटेरियल उसी मटेरियल के अंदर है, पैंथर जो लोड दिखाया था उसके अंदर ऑलमोस्ट 3,000 स्क्वायर फीट मटेरियल कस्टमर ने ऑलरेडी परचेज कर लिया है। अब आप बोलोगे कि सर हम कैसे मान लें कि ऑनलाइन परचेज किए हैं, तो मैं आपको एक वीडियो दिखा देता हूँ, आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, ये कस्टमर ने ऑनलाइन हमसे परचेज किया है जब लोडिंग हो रही थी उसकी वीडियो ये आप देख पा रहे होगे अपनी स्क्रीन पे। कस्टमर ने हमसे ऑलमोस्ट 2,000 स्क्वायर फीट मटेरियल परचेज किया है, वो मटेरियल जो है हावड़ा के लिए लोड हो रहा है। तो ऐसे ही हर कस्टमर हमसे ऑनलाइन लेता है और बिल्कुल सेटिस्फाई रहते हैं हमसे। तो आज का जो वीडियो दिखाऊंगा मैं इस टॉपिक के ऊपर वीडियो दिखाऊंगा, चंदमुरी के अंदर एक लोट आया है ये वाला, इस लोट के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। साइज की अपन अगर बात करें इस स्लैब की, 7.5 फीट इसकी लेंथ है, 7.5 बाई 2.5। आप अपनी स्टेप्स के ऊपर भी लगा सकते हो, अगर आपकी 3.5 फीट की स्टेप्स है तो 3.5 के 2 पीस कट जाएंगे, और हाइट के अंदर 2.5 फीट है तो आपका बिल्कुल भी वेस्टेज नहीं होगा। अगर आप स्टेप्स के ऊपर यूज लेना चाहो तो मेन होल के अंदर आप यूज लेना चाहो तो स्लेब की साइज बड़ी है, ज़्यादा पीसेस का जॉइंट नहीं होगा तो आपको उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस लोड के अंदर इस हिसाब से तो कोई कमी नहीं है। अब अपन इस पर डिस्कस करते हैं वाटर अप्लाई करने के बाद इसका कैसा गले जाएगा। वाटर अप्लाई करने से सिर्फ आपको आइडिया होगा कि इसका जो पॉलिशिंग का लुक, आप आइडिया नहीं लगा पाओगे, इसका कलर आपको दिखेगा कि ये कैसा कलर है। ये देखिए पूरा वाइट बेस के अंदर मटेरियल है, इसी को जूट नहीं बोलूँगा, इसी को लोग अलबेटा बता के सेल कर रहे हैं, और वो भी सेम क्वालिटी का मटेरियल है, बट वो आपको अलबेटा बता के उसके 300 रुपये 250 रुपये ले रहे हैं, बट जबकि ये चकडूंगरी है, चकडूंगरी के अंदर ये मटेरियल है प्रीमियम क्वालिटी का। जो प्रीमियम क्वालिटी का मटेरियल होता है उसको अलबेटा के नाम से सेल किया जाता है, बट हमारे ऐसा कोई काम नहीं है, जो मटेरियल है उसको वही बोता के कस्टमर को दिया जाएगा, तभी हमारा काम आगे से आगे चल रहा है, अच्छे से अच्छा चल रहा है। ये देखिए गलेज आप देख सकते हो, चक डूंगरी है, मैं फिर से बता देता हूँ ये अलबेटा नहीं है, आप कंफ्यूज मत हो जाना कि ये क्या है क्वालिटी है, तो ये चक डूंगरी है। अब एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, मकराना मार्बल की क्या पहचान है, आपको एक पॉइंट बताता हूँ जो आपको हमेशा याद रखना है, मकराना का कोई भी मार्बल हो उसके अंदर ये भरन आएगा, ये जो दिख रहा है आपको, कुमारी हो तो कुमारी के अंदर ये भरन आएगा, किसी में लाइट आएगा, किसी में डार्क भरन आएगा, बट ये भरन ज़रूर आएगा, ये कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ना ही ये खुलेगा ना ही ये टूटेगा, है जैसा का जैसा रहेगा, ये भरन से ही पहचान है मकराना मार्बल की, हर किसी मटेरियल के अंदर भरन नहीं आता, मकराना का जो मटेरियल आता है उसके अंदर भरन आता है, चाहे वो 100 रुपये का हो चाहे वो 1,000 रुपये का हो, भरन तो चांसेस है कि आएगा ही आएगा, 100 में से 1 स्लेब होती है जिसमें भरन नहीं रहता, 100 में से 1 मान के चलिए, वो भी बहुत रेयर है, बाकी भरन तो आता ही आता है। ये देखिए धूप पहले से कम हो चुकी है, पहले इतनी तेज़ धूप थी आपको इसका कुछ आइडिया नहीं हो पाता। ये देखिए अब एक बार मैं इसकी ट्रांसपेरेंसी दिखाता हूँ, मैं हर वीडियो में एक एक चीज़ क्लियर करता हूँ, ट्रांसपेरेंसी कैसी है इसकी, जो थिकनेस है वो 15 से 16 mm है, और मकराना का कोई भी मटेरियल लीजिए 15 से 16 mm थिकनेस रहेगी। ये आप इसकी ट्रांसपेरेंसी देखिए, पूरा आपको हाथ क्लियर दिख रहा होगा, ये देखिए ट्रांसपेरेंसी से ही पता चलता है कि मटेरियल वाइट कितना है, एक्चुअल में वाइट कितना है, वाइटनेस का आइडिया ट्रांसपेरेंसी से भी होगा। तो मटेरियल आपने देख लिया है,
सारी इसकी ऐसे लेके जेड चीज़ें मैंने बता दी आपको। प्राइस जानने के लिए हमसे कॉन्टेक्ट करिए, रीजनेबल प्राइस के अंदर आपको ये मटेरियल मिलेगा, ये मेरा आपसे वादा है। हमारे पास जब भी कस्टमर आता है मैं उनको बोलता हूँ कि पहले आप मार्केट देखिए उसके बाद हमारे पास आइए, तो मैं इतना श्योर हूँ कि मेरे पास जो प्राइस रहती है वो बहुत रीज़नेबल प्राइस है, और बहुत बार कस्टमर मार्केट घूम के मेरे से लेते हैं। तो वीडियो को अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और ऐसे ही आपका प्यार बनाए रखिए।